हेलो वेलकम इन एके स्टडी। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ्स क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 2 है इस पे बेस्ड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। और इससे पहले की सभी वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से उनको देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है सो दैट x प्लस 3 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। मतलब यहाँ पे हमें दो पॉलिनोमियल दिए गए हैं, ये पहला पॉलिनोमियल x प्लस 3 और ये दूसरा पॉलिनोमियल। हमें ये शो करना है कि जो x प्लस 3 है वो इस दूसरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। तो इसको हम कैसे करते हैं, देखो फैक्टर थ्योरम जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको क्या बताया था कि जिसको भी आपको फैक्टर प्रूफ करना है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, इसको जीरो के बराबर पुट कर दो। तो यहाँ पर एक्स प्लस 3 को हमें फैक्टर शो करना है तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 3 को जीरो के बराबर पुट कर देंगे। फैक्टर थ्योरम क्या होती है ये अगर आपको जानना है तो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। फिलहाल अभी करने का तरीका क्या है वो देखो, जो भी हमें फैक्टर प्रूफ करना है हम क्या करेंगे, पहले उसको जीरो के बराबर पुट करेंगे और यहां से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये प्लस 3 इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू आ गई माइनस 3। अब जो भी ये एक्स की वैल्यू आई है, ठीक है, इसको आप इस पॉलिनोमियल में एक्स की जगह पुट करो। अगर एक्स की जगह पे ये वैल्यू पुट करने पे इसकी वैल्यू जीरो आ जाती है तो मतलब ये फैक्टर है, अगर नहीं आती है तो नहीं है। सिंपल सा आपको इतना करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी ये पॉलिनोमियल है इसको पी एक्स बोल देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई जो हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये पी एक्स हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर, एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, ठीक है, माइनस 4x प्लस में 6। अब हमें क्या करना है, x की जगह पे माइनस 3 पुट करना है। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है x है, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, p x की जगह आ गया माइनस 3। इसका ये मतलब है कि जहाँ जहाँ पे x आपको नज़र आए वहाँ वहाँ पे आपको माइनस 3 पुट करना है। तो यहाँ पर देखो x है तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस 3, इसके सर पे 3 लिखा हुआ है तो यानी कि इसके सर पे भी 3 आ जाएगा, यानी माइनस 3 का क्यूब हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे हुआ x का स्क्वायर, x की जगह माइनस 3 है तो माइनस 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4x है तो 4x की जगह पे माइनस 3, फिर प्लस 6 है तो प्लस 6 आ गया। अब देखो यहाँ पर 3 का क्यूब 27, अब क्योंकि माइनस भी था तो माइनस लगाओगे। आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पर जो एक्सपोनेंट में लिखा हुआ है जो पावर है वो अगर ऑड नंबर है तो माइनस रहेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, अब क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है वो 2 है यानी कि इवन नंबर है तो जब इवन नंबर होगा तो माइनस हट जाएगा प्लस रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस 4 3 12 प्लस में 6। मैंने क्या बोला फिर से बोल देता हूँ, अगर एक्सपोनेंट में ऑड नंबर है तो बेस के पास जो माइनस है वो माइनस रहने दो, अगर एक्सपोनेंट में इवन नंबर है तो बेस के पास भले ही माइनस था यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक। तो अब देखो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव नंबर है तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे रहने दो, ये सारे पॉजिटिव हैं इनको ऐड कर लो तो 12 प्लस 6 18 हुआ, 18 में 9 जोड़ा 27 आ गया, ठीक है, तो ये प्लस का 27। तो यहाँ से लेफ्ट में क्या चल रहा है, p माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 27 प्लस 27 जीरो हो गया। तो हम बोलेंगे भाई जब हमने इस चीज़ को जीरो के बराबर पुट किया तो हमें क्या मिला था, x की वैल्यू माइनस 3 मिली थी, इस वैल्यू को जब हमने पुट किया तो हमें कितना आ गया, जीरो आ गया। तो हम कह सकते हैं सो x प्लस 3 इज़ अ फैक्टर x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। तो सिंपल आपको ये करना होता है कि भाई जिसको भी फैक्टर प्रूफ करना है पहले आप उसको जीरो के बराबर पुट करो, एक्स की वैल्यू निकालो और वो एक्स की वैल्यू इसमें पुट कर दो। वो पुट करने पे लास्ट में अगर आंसर आया जीरो तो मतलब फैक्टर है, अगर नहीं आता तो नहीं है। सिंपल सा तरीका है, ठीक ठीक है, इतना हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन, देखो जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है ना, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया सो दैट एक्स माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है। हमें ये शो करना है कि यहाँ पर जो x माइनस 5 है, ठीक है, ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। तो फिर से वही, जो भी यहाँ पर है पहले यहाँ पे इसको जीरो के बराबर पुट कर दो। तो मैंने लिखा पुट x माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो,
तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, फाइव आ गई। अब ये एक्स इक्वल टू फाइव आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। तो उससे पहले हम क्या बोलेंगे कि भाई ये जो चीज़ है इसको हम पी एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो अपना पी एक्स कितना हो गया, पी एक्स हो गया ये सारा, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टीन एक्स प्लस फिफ्टीन, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब हमें क्या करना है, हमें x की जगह पे 5 पुट करना है। तो मैंने लिखा p x की जगह पे 5, तो मतलब जहाँ जहाँ x आपको नज़र आए वहाँ आपको 5 पुट करना है। तो ये हो गया 5 का क्यूब माइनस 3, x की जगह है 5 और x के सर पे 2 लिखा है मतलब स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर आएगा, माइनस 13x है, 13 x की जगह पे आ जाएगा 5 और प्लस में है 15। तो देखो 5 का क्यूब कितना होता है, 125 माइनस 3, ठीक है। पहले आप पावर सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 13, 5 जा कितना 65 प्लस में कितना 15, ठीक। तो यहाँ से कितना हो गया, देखो ये हो गया 125 माइनस 25, 3 जा 75 माइनस में 65 है प्लस में 15 है। अब देखो ये 125 प्लस का है और ये 15 प्लस का है, इन दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों को हमने ऐड किया, ठीक है। कितना आ गया 140, ये 75 माइनस का है, 65 भी माइनस का है, इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड किया तो माइनस में कितना आया 140, 140 में से 140 गया 0, तो मतलब जो हमने x की जगह पे 5 रखा तो 0 आ गया। 5 कैसे आया था, इसको 0 रखने पे, तो इसका मतलब है कि जो ये चीज़ है ये फैक्टर है। तो हम बोलेंगे एज, क्योंकि ये चीज़ 0 के बराबर आ गई, सो x माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, ठीक है, गिवन पॉलीनोमियल मतलब इसका, ठीक। तो ये हो गया, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। मतलब क्या है कि इस बार हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अगर ये जो चीज़ है ये फैक्टर है ये हमें पता है। पिछले क्वेश्चन में क्या होता था, फैक्टर है या नहीं चेक करना होता था, इस बार ऐसा नहीं करना, इस बार हमें पक्का पता है कि फैक्टर है और तब हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वेश्चन में भी शुरुआत हम पिछले क्वेश्चन जैसा ही करेंगे, यानी कि इसको पहले 0 के बराबर पुट करोगे, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम बोलेंगे एज x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल, गिवन पॉलीनोमियल, क्योंकि हमें पता है कि ये फैक्टर है, सो इसीलिए x बराबर 1 पे जो भी ये गिवन पॉलीनोमियल है ये 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर 1 पे जो 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k है ये 0 के बराबर आ जाना चाहिए। तो आपको याद रखना है, जब भी आपको पता हो कि पक्की बात है कि ये फैक्टर है, जैसे पिछले क्वेश्चन में तो चेक करना था, यहाँ पे हमें पता है कि फैक्टर है, तो आप क्या करो यहाँ से वैल्यू निकालो। तो यहाँ से वैल्यू निकाली तो x बराबर 1 आई, ठीक है, और इसमें पुट करने पे इसकी वैल्यू 0 के बराबर रख दो। तो यहाँ से कितना हो गया 4, x की जगह पे हमें क्या पुट करना है 1, क्योंकि x बराबर 1 पे ये 0 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से 1 का क्यूब प्लस 3, फिर x का स्क्वायर है, x की जगह पे हमें 1 पुट करना है, माइनस 4 x की जगह पे 1 प्लस में k इज इक्वल टू 0। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 1 इंटू में 4 4 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हुआ, इंटू में 3 है तो 3 वन जा 3 हो जाएगा, 4 वन जा 4 होगा, प्लस में k इज इक्वल टू 0, माइनस 4 से प्लस 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या हुआ k, और जो ये प्लस 3 है इसको उस तरफ ले जाओगे माइनस 3, तो k की वैल्यू आ गई माइनस 3, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।